चीन से हुई जंग तो सेना देख लेगी, पाकिस्तान ने सीमा पार से की कोई हरकत तो सेना ठोक देगी। एलएसी और एलओसी पर समुद्र से हवा तक, पहाड़ हो या रेगिस्तान, खड़ी चट्टान हो या बर्फीले पहाड़, भारतीय सेना सब देख लेगी। ये बात सिर्फ हम नहीं बल्कि भारत सरकार भी कह रही है। भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सीमा पर बनने वाले किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बीते साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम पर सहमति के बाद उल्लंघन की सिर्फ 3 मामूली घटनाएं दर्ज की गईं। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक समीक्षा में जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार के ढांचे को बरकरार रखा है और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की सक्रियता और लगातार घुसपैठ के प्रयास उसकी मंशा को साबित करते हैं। इसके साथ ही नशीले पदार्थ और आतंकवाद गठजोड़ का लगातार फायदा उठा रहा है ताकि निर्दोष लोगों को आम लोगों को निशाना बनाने के लिए उकसाया जा सके। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि एलओसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच संघर्ष विराम सहमति का पालन करने से स्थिति पहले से बेहतर है। रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान को लेकर कहा कि भारतीय सेना सैन्य आधुनिकीकरण और भारत के विरोधियों की आक्रामक कार्रवाई के परिणाम को देखते हुए सभी तरह के सैन्य हालात से निपटने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों की सेना लगातार निगरानी कर रही है। भारत की स्थिरता और प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को बनाए रखने के लिए ध्यान रखा जा रहा है। एलएसी पर हालात को लेकर मंत्रालय ने कहा कि पीएलए सैनिकों ने 9 दिसंबर को त्वांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में सीमा पार करने और यथास्थिति बदलने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संसद में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा गया कि उन्होंने सूचित किया कि भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और मजबूती से चीनी सैनिकों को जवाब दिया है। पूर्वी लद्दाख विवाद का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में बचे हुए गतिरोध वाली जगहों पर तनाव कम करने के लिए बैठक को लेकर बातचीत भी हो रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सेना ने लगातार उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों की निगरानी की, भारतीय सेना सीमा पर किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। सेना ने साइबर, अंतरिक्ष और सूचना के क्षेत्र में भी खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा दिया है। यानी सेना एलएसी और एलओसी हर मोर्चे पर तैयार है। दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना अब सिर्फ दुश्मन की एक हरकत के इंतजार में है। वहां दुश्मन ने जरूरत दिखाई और इधर सेना अपना मोर्चा खोल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।